प्रयागराज से पर्यटक व दर्शनार्थी डीग स्थित चार धाम आदि बद्री रामेश्वरम केदारनाथ व नर नारायण जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वही साल के अंत में दर्शनार्थी इन चारों धामों के दर्शन कर अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं। वही दिल्ली व आगरा और जयपुर सहित कई राज्यों से भक्त व श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंच रहे हैं। वही बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम आदि मंदिरों के दर्शन के दौरान उन्होंने अपने अनुभव भी बताए। मंदिर महंत ने बताया कि 42 किलोमीटर क्षेत्र में होकर सभी दर्शन हैं, जिसमें चंदन वन, देव सरोवर, लक्ष्मण झूला, तप्त कुंडहर की पैली, हरिद्वार और विंध्याचल पर्वत, नर नारायण पर्वत सहित गंगोत्री यमुनोत्री आदि। मान्यता है कि द्वापर युग में जब माता यशोदा व नंद बाबा वृद्ध हुए, तब उन्होंने चारों धामों की यात्रा दर्शन की इच्छा की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसी ब्रज क्षेत्र आदि बद्री में ही बद्रीनाथ केदारनाथ रामेश्वरम व प्रयागराज को प्रकट कर चारों धामों के दर्शन व तीर्थ यात्रा करवाई थी। कहाँ से आए हैं? आगरा से। आपको यहाँ का पता कैसे चला? क्या महत्व है यहाँ का? पता हमें बांके बिहारी से पता, हमारे गुरुजी के पास से। अच्छा, आप पहले वृंदावन गए थे? हाँ, पहले वृंदावन तो जाते रहते हैं ना। अच्छा, हाँ, तो वृंदावन वाला बंसी वाला ना, जो बांके बिहारी मेरा भैया है। अच्छा, तो उन्होंने मतलब आगाज कराया था गुरुजी के भाई से। अच्छा, गुरुजी के लड़के थे ना मेरे गुरु भाई, ही उन्होंने बताया था। फिर आप सारे तीर्थ कर चुके हैं? चार धाम करने आ रहे थे। हाँ, चारों। तो केदारनाथ जी कुछ ज्यादा ऊंचे हैं या फिर आपसे चढ़ा गया, कैसा रहा? बेटा ऊंचे तो हैं, लेकिन मैं पालकी से गई थी। अच्छा, 360 सीढ़ियां वहाँ पे पालकी है। हाँ, पालकी।